वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम एचटेट 2016 में जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है एचटेट का, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी एक बात और बता दूँ आपको, कोई भी कंपटीशन का टेस्ट है जहाँ कंप्यूटर आता है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचटेट वाले इस वीडियो को देखें, कोई भी जो कंपटीशन का टेस्ट दे रहा है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हों तो वो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन सारे इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एचटेट 2016 का सॉल्यूशन देखिए, 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि आपको पता है 91 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर के, 60 टोटल क्वेश्चन आते हैं 60, जो पहला क्वेश्चन था 91 नंबर, डैश इन ए वैल्यूज प्रोसेसिंग ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे 1x1। तो सी लैंग्वेज की बात हो रही है, ऐसी प्रोसेसिंग वैल्यूज़ की जहाँ पर हर एलिमेंट को एक बार तो ज़रूर एक्सेस किया जाएगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, इंसर्शन, सर्चिंग, मर्जिंग और ट्रांवर्जिंग। तो ट्रांवर्जिंग क्या होता है, हर एलिमेंट को एक बार ज़रूर एक्सेस करना। मान लीजिए एरे में 10 एलिमेंट हैं तो पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे लगातार हर एलिमेंट को एक्सेस करना ट्रांवर्जिंग कहलाता है। तो 91 का आंसर रहेगा 4, ट्रांवर्जिंग। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 क्वेश्चन कहता है, डैश फीचर सपोर्ट रियूजेबिलिटी एंड एक्सटेनेबिलिटी ऑफ क्लासेस। क्लियर, तो कौन सा फीचर है जो रियूजेबिलिटी को डिनोट करता है और एक्सटेंसिबिलिटी को डिनोट करता है या सपोर्ट करता है क्लासेस। तो C++ का क्वेश्चन है, रियूजेबिलिटी की बात आ जाए तो इनहेरिटेंस आएगा इसका आंसर, 92 का 3 आएगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक की प्रॉपर्टी दूसरे में यूज करना, एक का डाटा है वो डाटा दोबारा हमें नहीं बनाना पड़ता, अगर हमें दोबारा ज़रूरत है तो उसी को रीयूज कर लेते हैं, यूजिंग बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम रियूजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, सपोर्ट ये करता है आपका। ठीक है, 92 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 93 है वो क्या कहता है, वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स आर वैल्यू। जो कोई भी वेरिएबल है और उसमें जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को हम आर वैल्यू को से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल का नाम है वो होता है एल वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आर वैल्यू, जो कि उसकी वैल्यूज को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 94 वो क्या कहता है, द सिंबल क्वेश्चन मार्क और कोलन शोज डैश ऑपरेटर। तो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में ऑपरेटर होते हैं, उसके टाइप होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जमा गुना घटा भाग, लॉजिकल होते हैं, एंड और नोट, रिलेशनल होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो ऐसे ये ऑपरेटर होता है आपका कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर, जैसे इफ एल्स लगाते हैं तो वहाँ आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक ही लाइन में, तो क्वेश्चन मार्क कोलन लगा के कर सकते हो, तो वो कौन सा है, कंडीशनल ऑपरेटर। तो 94 का 2 आंसर रहेगा कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, मैं एक चीज़ और इसमें नोटिस कर रहा हूँ आपके पेपर में कि सी और सी प्लस प्लस ज़्यादा इसमें बताई गई है। तो अपना जो चैनल है द कंप्यूटर डायरी, इसके अंदर प्लेलिस्ट में आपको सी और सी प्लस प्लस के लेक्चर मिलेंगे, वहाँ ये चीज़ें अच्छे से बताई हैं, तो वहाँ आप विजिट ज़रूर करें। 95 क्वेश्चन नंबर, एसक्यूएल कमांड्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट कॉल्ड। एसक्यूएल कमांड है जो एक या एक से अधिक लॉजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट को कवर करती है, कलेक्ट करती है, तो उसको क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज। 95 का आंसर रहेगा 3, क्लोज। तो क्लोज होती हैं वो, क्या करती हैं कि कमांड के अंदर वन और मोर लॉजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट को डिनोट करती है, क्लोज। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, यस 96 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, इंटरलिंकिंग मींस लिंकिंग। इंटरलिंकिंग होता है वैसे दो के बीच में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, इसका आंसर रहेगा, दो डॉक्यूमेंट के बीच में लिंक बनाना हो तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट इसका आंसर रहेगा। इंटरलिंकिंग मींस लिंकिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट। अब सेम डॉक्यूमेंट में लिंक नहीं, सेम इमेज के अंदर लिंक नहीं, आल ऑपरेशन आर रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बीच में। जैसे आप वेबसाइट खोलते हो, एक पेज पे क्लिक करते हो, कहीं लिखा होता है क्लिक हियर तो दूसरा पेज खुल जाता है, तो एक दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को लिंक करते हो आप इंटरलिंकिंग के द्वारा। 96 का आंसर रहेगा 3। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 97, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करवाता है, फाइलों को मैनेज करता है, डिस्क को भी मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, पर वायरस प्रोटेक्शन के लिए अलग से एप्लीकेशन डलवानी पड़ती है। तो इसका आंसर रहेगा वायरस प्रोटेक्शन, क्लियर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही का है, फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे हम। फिफ्थ जनरेशन जो है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, डैश क्लोज अलाउ सॉर्टिंग ऑफ क्वेरीज रिजल्टिंग बाई वन और मोर कॉलम्स। एक या दो कॉलम को मिलाकर या एक कॉलम के थ्रू आप सॉर्टिंग कर सकते हो, तो उसको ऑर्डर बाय बोलेंगे। सॉर्टिंग का बात आ जाए तो ऑर्डर बाय उसका आंसर रहेगा। ऑर्डर बाय क्लोज अलाउ सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाई वन और मोर कॉलम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 100, क्या कहता है, प्रोग्रामिंग स्टाइल इज ए सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सिंगल एंट्री रहेगी, सिंगल ही एग्जिट रहेगा, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल इज ए सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, 101, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बताया गया, इसके आउटपुट बताने हैं हमारे को। तो जैसे देखिए, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, सी प्लस प्लस के लेक्चर आप अपने यूट्यूब चैनल के सी प्लस प्लस प्लेलिस्ट में देखें तो आपको सी प्लस प्लस समझ में भी आएगी और वहाँ सी लैंग्वेज भी अच्छे से डाली गई है। मैं तो ये कहता हूँ, अपने चैनल पे बहुत सारा डाटा डाल रखा है जो कि एसटेट के लिए या पीजीटी के लिए या एचएसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन है जहाँ कंप्यूटर का डाटा आता है, उस सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वहाँ आप एक विजिट ज़रूर करें। देखिए, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि दो फंक्शन बनाए गए हैं, सो एक्स अगेन। ठीक है, वॉइड मेन में सो एक्स को दो बार कॉल किया गया है, सो एक्स अगेन को एक बार कॉल किया गया है। सो एक्स में बनाया गया, एक्स की वैल्यू 34 ली गई है और एक्स को प्रिंट करवाया गया बट प्लस प्लस के साथ। तो इसमें पहले एक्स प्रिंट होगा फिर प्लस प्लस होगा, इसका मतलब 34 प्रिंट होके फिर वो 35 होगा, ये ध्यान रख लेना। फिर सो एक्स अगेन, इसके अंदर ओनली एक्स को प्रिंट करके फिर प्लस प्लस किया गया है। तो इसका आंसर अगर हम देखें इसको एनालिसिस करने के बाद में प्रॉपर, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 34, 34 और 7, ये इसका आंसर रहेगा 34, 34, 7। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 101 का जो आंसर रहेगा 3। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करना होगा आपको प्रोग्राम को, तो ये पर्टिकुलर आंसर देगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। यस, 101 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 102, द शॉर्टकट की फॉर गो टू कमांड इन एमएस वर्ड इज। एमएस वर्ड के अंदर जो गो टू है वो किस किस पर्टिकुलर के लिए यूज़ होती है। वैसे तो फंक्शन की कितनी होती हैं, फंक्शन की आप देखते हो बहुत सारी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक जो हैं फंक्शंस की आपकी होती हैं ना। तो जो फंक्शंस की होती हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर या अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3, 2। टू क्या आंसर है इसका, F5। तो F5 जो फंक्शन की को अगर आप प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, आप जो है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हो। F5 करोगे फिर आप बताओगे लाइन नंबर 5 पे जाना है या कहाँ जाना है, तो वर्ड में वहीं पर आपको पहुँचा देगा। ठीक है, तो इससे आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, डैश प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम फॉर स्टैंडर्ड टाइप। स्टैंडर्ड टाइप के लिए, सॉरी स्टैंडर्ड टाइप, हाँ अल्टरनेटिव नेम, मान लो किसी वेरिएबल का या किसी स्टेटमेंट का नाम चेंज करना है। ठीक है, प्रिंट टाइप की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, टाइप डिफाइन के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। तो टाइप डिफाइन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव नेम फॉर स्टैंडर्ड टाइप, क्लियर, टाइप डिफाइन रहेगा इसका आंसर। उसके बाद 103 के बाद आपका आता है नेक्स्ट 104, 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, FTP यूज नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। ट्रांसफरिंग फाइल के लिए कितनी मान लो नंबर ऑफ कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर रहेगा 2, 2। FTP यूज टू नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग, एक कंट्रोलिंग के लिए और एक डाटा के लिए, तो 2 इसका आंसर रहेगा, मतलब 2। FTP यूज टू नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। फिर नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन नंबर 105 है, डैश नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो आंसर आएगा आपका 3NF, 3NF जो है, थर्ड
थर्ड नॉर्मल फॉर्म वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन के बाद आता है आपका 106, वो क्या कहता है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें दो प्रकार की आईसी यूज हुई थी, थर्ड में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आईसी चिप की बात करेंगे यहाँ पर हम, 106 का आंसर रहेगा आपका थर्ड आईसी चिप। 107 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, देखिए 107 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, डैश यूज लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस जो है वो किसके द्वारा यूज होता है, तो राउटर द्वारा, लॉजिकल एड्रेस राउटर द्वारा, फिजिकल एड्रेस ब्रिज द्वारा यूज होता है। पीछे भी ये पेपरों में आता रहा है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, राउटर। तो राउटर यूज लॉजिकल एड्रेस बट ब्रिज यूज फिजिकल एड्रेस, ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, फ्रॉम वेयर द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन ए प्रेजेंटेशन इज सेट। मान लो ये प्रेजेंटेशन की टाइमिंग सेट करने भी, पहला पेज आए फिर दूसरा पेज आए, कितने समय बाद आए, टाइमिंग वगैरह सेट करनी है, तो इसका आंसर रहेगा सो स्लाइड कस्टम एनिमेशन। कस्टम से हम अपनी इच्छा से टाइमिंग जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 109 क्वेश्चन नंबर, SQL कमांड अलाउ टू मेक क्यूरीज ऑन द डेटाबेस, SQL सेलेक्ट, सेलेक्ट SQL कमांड अलाउ टू मेक क्यूरीज ऑन द डेटाबेस, डाटाबेस में कोई डाटा निकालना है तो सेलेक्ट कमांड का यूज करके आप डाटा एक्सेस कर सकते हो। फिर 110 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे, यस, ट्रांसमिशन मीडियम यूज इन लैन इज, ठीक है, लैन के अंदर कौन सा होता है। वैसे तो ट्विस्टेड पेयर का केबल होती है, तो पर इसमें ऑप्शन दे रखा है, सबसे जो लेस है वो है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल, ट्रांसमिशन मीडियम यूज इन लैन इज कोएक्सियल केबल, तो इसका आंसर वैसे तो ट्विस्टेड पेयर वायर आना चाहिए, बट यहाँ पर वो नहीं है, तो सबसे लोवेस्ट जो है छोटे लेवल पर जो यूज की जाती है वो आपकी कौन सी होगी, कोएक्सियल केबल। जो डिश वाली केबल होती है ना बच्चों, आप लोग देखते हो, आप यूज करते हो, जो घरों में डिश चलती है, वो केबल जो है वो कोएक्सियल केबल आपकी कहलाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है वो क्या कहता है, डैश इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है आपका, फोर लूप, फोर लूप जो है वो एंट्री पे ही कंट्रोलिंग करता है, एंट्री होगी तो पहले वो चेक करेगा फिर आगे वर्किंग करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोर, फोर इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। 112 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन टू ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, अगर बात करें तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एनकैप्सुलेशन, बोथ, तो इसका आंसर रहेगा डाटा एनकैप्सुलेशन। एक कैप्सूल बन जाता है, कैप्सूल आपको पता है मल्टीपल जो अलग अलग ट्रीटमेंट एक ही कैप्सूल में डाल देते हैं, तो इसी प्रकार ये इनकैप्सुलेशन वर्ड वहीं से आया है। तो इनकैप्सुलेट करना मतलब रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट, दैट इज डाटा एनकैप्सुलेशन। तो 112 का आंसर रहेगा आपका टू, डाटा एनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, द नंबर ऑफ रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, नंबर ऑफ रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, और नंबर ऑफ कॉलम कहलाता है डिग्री, ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर कंपटीशन के टेस्ट में। तो नंबर ऑफ रोज, एक टेबल में रो होती है और कॉलम होता है, तो नंबर ऑफ रो, अजय, विजय, मोहन, सोन, उनका रिकॉर्ड है जैसे, तो वो रो हैं, तो कार्डिनलिटी, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ये कॉलम है, तो वो क्या कहलाएगा, डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम इज डिग्री एंड नंबर ऑफ रो इज कार्डिनलिटी, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 विच टाइप ऑफ चार्ट कैन एक्सेल प्रोड्यूस्ड, एक्सेल के अंदर किस टाइप के चार्ट हो सकते हैं, तो इसमें आंसर रहेगा लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, तो आंसर रहेगा 114 का सी, मतलब थर्ड, बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, ये आंसर इसका रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन हमारा कहता है इज एन यूनिवर्सल गेट, देखिए तीन गेट मेन होते हैं, एंड और नॉट, बट आगे उनको ही कम्बिनेशन करके और गेट बनाए जाते हैं, बट नैंड और नोर गेट, नैंड, एन ए एन डी, नैंड, और नोर, एन एन ओ आर,
ठीक है, और गेट के साथ में नोट लगाया और एंड के साथ के नोट लगाया। तो ये दो गेट जो होते हैं, नैंड और नोर, ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट होते क्या हैं वास्तव में? ऐसे गेट जो अदर गेट्स की तरह वर्किंग करके हमें दिखा सकते हैं, किसी गेट की तरह भी वो वर्क कर सकते हैं, तो उनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो नैंड गेट और नोर गेट आपका क्या है? यूनिवर्सल गेट रहेगा। तो यहाँ नैंड दे रखा है तो 115 का आंसर रहेगा टू, नैंड गेट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 116, 116, विच फीचर इज यूज टू रिप्लेस स्ट्रेट क्यूटो विद स्मार्ट क्यूटो वाइल टाइपिंग? टाइपिंग के दौरान आप टाइपिंग करते वक्त अगर आप स्ट्रेट क्यूटोज को स्मार्ट क्यूटोज में बदलना चाहते हैं तो ऑटो फॉर्मेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑटो फॉर्मेट। 116 का चार आंसर रहेगा ऑटो फॉर्मेट। उसके बाद 117 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है? द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या, कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है? तो मल्टीकास्ट होता है ये। यूनिकास्ट तो सिंगल हो गया, स्टेट एक हो गया, रैंडम अलग चीज़ है। मल्टीकास्ट होता है मल्टीपल लोगों को एक साथ कॉन्फ्रेंसिंग करना। तो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मल्टीकास्टिंग में होता है। 117 का टू आंसर रहेगा। 118 जो है क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? ई स्ट्रिंग लिटरल इज ऑटोमेटिकली एडिड विद ए टर्मिनेटिंग करेक्टर? तो पहला आंसर रहेगा, वैसे तो ये वन की जगह स्लैश आना चाहिए, स्लैश जीरो होता है। 118 का पहला आंसर रहेगा स्लैश जीरो विद टर्मिनेटिंग करेक्टर। ठीक है, ई स्ट्रिंग लिटरल इज ऑटोमेटिकली एडिड विद ए स्लैश जीरो टर्मिनेटिंग करेक्टर। 119 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? डैश मीन्स डैश मीन यूनिफिकेशन एंड सेवरल अदरवाइज डिस्टिंक्ट डाटा फाइल विद डाटा रिडंडेंसी अमंग दोज फाइल पार्सली और होली एलिमिनेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 119 का टू, इंटीग्रेटेड डाटाबेस। इंटीग्रेटेड डाटाबेस, इंटीग्रेटेड डाटाबेस मीन यूनिफिकेशन ऑफ सेवरल अदरवाइज डिस्टिंक्ट डाटा फाइल विद डाटा रिडंडेंसी अमंग दोज ऑफ द पार्शियल एंड होली एलिमिनेटेड। ठीक है, तो डाटा इंटीग्रेटेड डाटाबेस। 119 का आंसर रहेगा टू। 120, बाई डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास इज? अब मान लो क्लास आ गया, सी प्लस प्लस की बात कर रहा है, तो प्राइवेट। अगर आप कोई भी डाटा मेंबर मेंबर फंक्शन सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करते हो तो बाई डिफॉल्ट वो क्या होता है आपका? प्राइवेट होता है, बाई डिफॉल्ट आपका प्राइवेट होगा। क्लियर। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 121, वो क्या कहता है? चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यस, इन ए प्रेजेंटेशन विच व्यू इज यूज टू एंटर स्पीकर कॉमेंट्स? स्पीकर द्वारा कोई कॉमेंट्स दिए गए, उनको मान लीजिए व्यू करना है या उनको स्टोर करना है, तो इन प्रेजेंटेशन विच व्यू इज यूज टू एंटर स्पीकर नोट्स, स्पीकर कॉमेंट्स? तो नोट पेज व्यू, नोट पेज व्यू आंसर रहेगा 121 का थर्ड, नोट पेज व्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, दैश डाटा टाइप स्पेसिफाई इन एन एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू। एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू वॉइड होता है, वॉइड होता है खाली, तो वॉइड डाटा टाइप स्पेसिफाई इन एन एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज। उसके बाद 123 क्वेश्चन नंबर, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ तो हम आपको आंसर ही बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं बता पा रहे। बाकी अपना चैनल में सी के, सी प्लस प्लस, कंप्यूटर फंडामेंटल, MCQ, बहुत कुछ डाटा डाला गया और भी डाल देंगे, वहाँ आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू रीस्टार्ट द नंबरिंग इन एन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, रीस्टार्ट कर सकते हैं ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, ये आपका एक टैग है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका आंसर 123 का पहला, 123 का पहला क्या है? टाइप। टाइप एट्रीब्यूट इज यूज टू रीस्टार्ट द नंबरिंग इन एन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? 1 2 3, जिसमें दिया वन ऑर्डर होता है, जिसमें सिर्फ बुलेट्स दिए होते हैं। ठीक है, टाइप आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें क्या कहता है? डैश इज नॉट अप्लाइड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इंडेंट होता है, लाइन भी होता है, जस्टिफाई होता है, पर फॉन्ट स्टाइल नहीं होता। फॉन्ट स्टाइल इज नॉट अप्लाइड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 125 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? डैश सिंबल इज यूज टू सी एवरी कॉलम ऑफ ए टेबल। टेबल में मान लीजिए हमें कोई डाटा देखना है, SQL की कमांड है ये, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की। स्टार, स्टार एवरी कॉलम को डिनोट करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई टेबल में से स्टार मतलब सारे फील्ड, नेम भी, रोल नंबर भी, जो भी है। सो रोल नंबर तो कहाँ होगा एम्प्लॉय में, उसकी एम्प्लॉय ID, सैलरी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो स्टार आंसर रहेगा 125 का टू। नेक्स्ट है 126, 126 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या कहता है? द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट यू कैन टू लिंक। द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू वॉन्ट टू लिंक।
किसी आप यूआरएल में डिफाइन करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एच रेफरेंस। तो एच रेफरेंस एच आर ई एफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लिंक। दो पेजेस को आपस में जोड़ने के लिए ए एच रेफरेंस जो है उस कमांड का हम टैग का यूज़ करते हैं, तो एच रेफरेंस इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, ए कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 127 का वन रहेगा कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लेते ही अपना आप कॉल हो जाता है डिफॉल्ट, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो डिफॉल्ट कहलाएगा। 127 के बाद 128 क्या कहता है, विच फाइल कीप्स कमांड टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्टेड। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं कुछ फाइलें, तो वो फाइलें कहलाती हैं ऑटो ईएक्सई बैट, ऑटो ई एक्स ई बैट डॉट बैट एक्सटेंशन की फाइल होती है। 128 का थर्ड आंसर रहेगा। 129, व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इन टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट द डाटा आर प्लेस्ड इन वर्ड टेबल। यस, वर्ड टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी वो, ठीक है, तो वर्ड टेबल, वर्ड एम एस वर्ड के अकॉर्डिंग ये टेबल बन जाएगी, वहाँ एक्सेल का डाटा आ जाएगा और वर्ड टेबल बन जाएगी। तो 129 का फोर आंसर रहेगा। 130, द एस आर एस डॉक्यूमेंट। एस आर एस क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म है, जहाँ पर क्लाइंट जो है वो डेवलपर को अपनी रिक्वायरमेंट लिखित रूप में देता है कि मुझे बनवाना क्या है, तो उनके बीच का कॉन्टैक्ट हो जाता है वो क्या बनाना है। तो एस आर एस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन। इसका आंसर दिया है, पर ये तो टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, यूनिट, अल्फा, ये टेस्टिंग है। पता नहीं ये क्वेश्चन किस हिसाब से डाला है, पर इसका आंसर दे रखा है ब्लैक बॉक्स। बाकी आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन में रखना पड़ेगा। 131, ए डैश परफॉर्म डाटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शन। क्या, ए डैश परफॉर्म डाटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है। 131 का आंसर रहेगा हमारा टू। टू क्या कहता है, गेटवे। तो गेटवे जो होता है ना, वो प्रोटोकॉल, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद 132 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, वो क्या है, व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ए स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड इज एग्जीक्यूटेड। ऑन करते ही बूट स्ट्रैप ऑन होता है, इज एग्जीक्यूट, बूट स्ट्रैप इज एग्जीक्यूटेड। तो इसका आंसर रहेगा फोर। 132 का फोर आंसर रहेगा बूटस्ट्रैप। 132 के बाद 133 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, डैश ऑफ एन एलिमेंट शो इट्स पोजिशन इन एन एरे। एरे है, उसमें अलग अलग वैल्यूज डाल रखी हैं, कौन सी पोजिशन पे क्या वैल्यू है, तो पोजिशंस के लिए इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट शो इट्स पोजिशन इन एरे। एस टी पी इज ए कम्बिनेशन ऑफ एफ टी पी एंड एस एम टी पी। 134 का आंसर रहेगा फोर, एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस टी टी पी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफ टी पी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस एम टी पी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एस टी टी पी इज ए कम्बिनेशन ऑफ एफ टी पी एंड एस एम टी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द प्रोसेस टू प्रॉपरली डिफाइन द डाटाबेस टेबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डाटा इंटीग्रिटी इज कॉल्ड। मान लीजिए एक टेबल बनाई है आपने, रिलेशन तैयार किया है, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, रिडंडेंसी भी रिमूव हो जानी चाहिए कम से कम हो, और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो डाटा नॉर्मलाइजेशन इसका आंसर रहेगा। 135 का फोर, डाटा नॉर्मलाइजेशन। पाँच नॉर्मलाइजेशन होती हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक बीच में बी सी एन एफ होता है, बायस कोड नॉर्मल फॉर्म, और फिफ्थ, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का दिया है, हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन ऑफ 430.25 जो है 8 ऑक्टल में है, तो हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन का एक वीडियो बनाएंगे हम, उसमें सिखा सकते हैं, यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे अभी। 136 का आंसर वैसे 2 रहेगा, 118.5416 फॉर्मेट में आपका ये दिखा रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 137 नंबर जो क्वेश्चन है, इन डैश इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड। रियर एंड मतलब डाटा हमें इनपुट करना है, मान लीजिए एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है और ये क्यू होती है, क्यू में रियर और फ्रंट दो चीज़ें होती हैं, जहाँ से आप डाटा एंटर करते हो फ्रंट, जहाँ से आप डिलीट करते हो रियर, ठीक है। तो क्यू, क्यू इंसर्शन टेक प्लेस एट द, जब डाटा इंसर्ट करना रियर और डाटा डिलीट करना फ्रंट है, ये ध्यान रखना। तो क्यू, क्यू इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138, स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग की, स्लाइड शो चल रही है, स्लाइड दिखा रहे हैं, पीपीटी दिखा रहे हैं, रोकना है, एस्केप बटन दबाएंगे, 138 का टू एस्केप, एस्केप बटन दबाने से चलती हुई स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जाएगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139, डैश कंस्टेंट इंश्योर दैट नो टू रो हैव सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। ओके, कंस्टेंट्स होते हैं अलग अलग, एसक्यूएल की कमांड है ये, एसक्यूएल में होता है कंस्टेंट्स हैं, जैसे कि चेक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं जो अलग अलग वर्किंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, की एट्रीब्यूट है। तो इसमें आएगा हमारा जो 139 है, इसका आंसर रहेगा टू, यूनिक, यूनिक कंस्टेंट जो है ना वो यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करे, अभी एक अजय रिकॉर्ड एवर डाल दिया तो हम दोबारा नहीं डाल सकते, तो वो रोक देगा, तो उसको यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट 140, डैश इज यूज टू कंबाइन डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन अंडर ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन इज यूज टू कंबाइन डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन अंडर ए सिंगल यूनिट। तो इनकैप्सुलेशन क्या कहलाता है कि इसमें डाटा मेम्बर मेम्बर फंक्शन को एक जगह इकट्ठी कर लेंगे, तो वो क्लास भी कहलाता है, इनकैप्सुलेशन भी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 141, वो क्या कहता है, डैश कमांड प्रोवाइड ए विंडो थ्रू विच वन कैन सी द डाटा ऑफ अनदर टेबल, एक टेबल है उसका डाटा देखना है तो क्रिएट व्यू, व्यू करके एक टेबल देखी जा सकती है, उसकी वर्चुअल टेबल बन जाती है, क्रिएट व्यू, कमांड प्रोवाइड ए विंडो थ्रू विच वन कैन सी द डाटा ऑफ अनदर टेबल। इन एसक्यूएल डेसिमल डाटा टाइप इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट टू बी राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट साइड में डेसिमल पॉइंट के कितने हैं, तो इस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो 142 का आंसर रहेगा फॉर स्केल, स्केल क्या होता है, पॉइंट के बाद कितना है राइट साइड में, ठीक है, स्केल। उसके बाद 143, एन एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट इज कंसर्न अबाउट ऑल ऑफ द डाटाबेस एट द लेवल, लॉजिकल, फिजिकल, इंटरनल और ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, तो इसका मतलब है आपका लॉजिकल लेवल, 143 का आंसर रहेगा ए, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट जो होता है ना, एप्लीकेशन देखता है, वो लॉजिकल लेवल से रिलेटेड मान लीजिए डाटा को एक्सेस करता है, लॉजिकल लेवल आएगा इसका आंसर। तीन लेवल होते हैं ना, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, ठीक है ना, जो इंटरनल लेवल होता है वो क्लोज टू सिस्टम होता है, और एक्सटर्नल लेवल या लॉजिकल लेवल क्लोज टू यूजर। 144, डैश सॉर्टिंग कंपेयर टू एडजेसेंट वैल्यूज, सॉर्टिंग होती है अलग अलग टाइप की, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, तो एक मेथड है बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट क्या करता है, अपना डाटा देखता है, अपने से अगला डाटा देखता है, दोनों एडजेसेंट डाटा को चेक करता हुआ, एडजस्टमेंट करता हुआ चलता है, वो बबलिंग होती है उसके अंदर, तो बबल सॉर्ट कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यूज एंड एक्सचेंज देम इफ़ दे आर नॉट इन प्रॉपर, मान लो एक वैल्यू बड़ी है उससे अगली छोटी है, तो इनको एक्सचेंज कर देगा, मैनेज कर देगा, तो बबल सॉर्टिंग। उसके बाद 145 जो हमारा है क्वेश्चन, उसका आंसर क्या रहेगा, दैट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट टू यूज असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट टू यूज असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2D एरे एंड रिक्वायर 2 byte ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर ईच एलिमेंट इफ एरे स्टोर्ड इन रो मेजर, रो मेजर होता है, कॉलम मेजर होता है, फॉर हैविंग बेस एड्रेस 100 देन द एड्रेस ऑफ 62 विल बी, इसका एड्रेस क्या रहेगा, तो इसकी एक कैलकुलेशन मेथड है सिंपल सा, उसका यूज करके अगर हम इसका फाइंड आउट करें तो 2 आंसर रहेगा 126 इसका आंसर रहेगा। कुछ कैलकुलेशन वाले हम यहाँ नहीं बता पा रहे आपको, तो अलग वीडियो बना के ये चीज़ें सिखाएंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम और ऐसी कुछ कैलकुलेशन, यहाँ हम आंसर बता देते हैं। 147 क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स सिस्टम, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में होता है, पर सेम टाइम एक होगा, अगर आ रहा है डाटा तो आएगा, कोई भेज नहीं सकता, कोई भेज रहा है तो भेजा जाएगा, आ नहीं सकता, वो हाफ डुप्लेक्स है। फुल में दोनों साइड चलता रहता है, जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो वो फुल डुप्लेक्स है, टेलीफोन पे बात करते हैं वो भी फुल डुप्लेक्स है, पर वॉकी टॉकी है वो हाफ डुप्लेक्स है, मॉनिटर और कीबोर्ड आपके सिंप्लेक्स है। द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू ए स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग होती है एक इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना या फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में बदलना टाइप कास्टिंग कहलाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल एक्सप्रेशन आर वैलिड फॉर एन इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इफ एल्स है तो बुलियन रहेगा,
मान लो ट्रू या फॉल्स भी ये चीज़ सही है या गलत है, तो सही गलत तो बूलियन ही होता है, तो बूलियन को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड यूजिंग ऑपरेटर। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें अलग अलग डाटा टाइप लिए, उनको एक्सेस करना है, तो डॉट ऑपरेटर से करते हैं बच्चों। डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 150 का आंसर रहेगा 1 डॉट। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।